एंड यस, इस तरीके से हमने इस बार केक के अंदर जो है वो गिफ्ट रख के रेहान को दिया. एंड मुझे ये आइडिया जब रिंकू ने दिया था ना, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि यस, कोई सोच भी नहीं सकता कि केक कट करेंगे और उसके अंदर जो है इस तरीके से गिफ्ट रखा होगा. तो बड़ा मजा आया और रेहान का रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था कि बिकॉज ही वॉज क्लूलेस. क्योंकि जैसे कि शोएब ने बताया कि एक चीज तो उससे पूछ ली थी उसे क्या चाहिए, तो वो हमने उसके लिए ऑर्डर कर दी है, वो भी एक दो दिन में आ जाएगी. लेकिन ये गिफ्ट उसे मिलेगा वो भी उसे नहीं पता था, और इस तरीके से मिलेगा वो तो बिल्कुल भी नहीं पता था. इस बार हम कहीं जा तो पा नहीं रहे हैं बिकॉज रेहान के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो एक बार एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह डिनर के लिए जाएंगे. तो आज मैं घर पे ही थोड़ी बहुत जो है तैयारी कर रही हूँ, उसकी जो फरमाइश है वो बना रही हूँ, और कुछ एक और शायद ट्राई करूँ. बोल ले क्या ये लाओ, मुझे दे दो. और थोड़ी देर खेलने के बाद ये मस्त मुझे इग्नोर मार के चल दिया बेडरूम की तरफ, मुझे ये समझाते हुए कि चलो मेरा सोने का वक्त है. तो ये हो रही है हमारी प्याज रेडी कीमा बनाने के लिए, क्योंकि आज जो बर्थडे बॉय की डिमांड है, यानी कि रेहान की डिमांड है. कल मैंने उससे पूछा कि रेहान कल क्या खाना है, तो उसने एकदम से बोला कीमा पाव. तो बोला है इतनी सी चीज, तो उसको आज कीमा पाव खाना है. और अम्मी ये सुनकर बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि अम्मी को लगा था कुछ मटन बोलेगा, कि अम्मी को मटन खाने का मन था. तो आज मैं मटन ग्रेवी तो नहीं बना रही, लेकिन इसके साथ मैं मटन बिरयानी ट्राई कर रही हूँ. आई होप अच्छी बने, और आपके साथ ऑब्वियसली मैं रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ. और आज क्योंकि अभी रेहान के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए हम आज कहीं बाहर नहीं जा पा रहे. इंशाल्लाह एक दो दिन में जब वो एग्जाम से फ्री हो जाएगा, या बीच में उसकी शायद एक दिन छुट्टी है, उस दिन प्लान बनेगा तो जाएंगे. तो फिलहाल हम रेडी कर रहे हैं डिनर, जो कि रात में सब साथ में बैठ के खाएंगे, एंजॉय करेंगे. चलिए लेट्स बिगिन द बिरयानी. यहाँ मैंने चावल अच्छे से धो के भिगो दिए हैं, इसे हम आधे घंटे छोड़ देंगे. ये 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो चावल हैं. और दूसरे बर्तन में जो है मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और साथ ही में मैं डालूंगी जीरा. आप शाही जीरा डालेंगे तो बेटर रहेगा, मेरे पास आज करके खानी, तो मैं नॉर्मल जीरा डाल रही हूँ. और इसको हम अच्छे से खोलने देंगे. और ये देखिए यहाँ पे बर्थडे बॉय के ट्यूशन क्लासेस चल रहे हैं, एकदम मस्त पढ़ाई हो रही है. चलिए अब जल्दी से मटन रेडी करते हैं. ये मैंने ऑयल ले लिया है, और ये लगभग 2 बड़े चम्मच जीरा है जो मैं डाल दूंगी, और ये 8 प्याज मैंने स्लाइस करके ऑयल में डाल दी हैं. इनके साथ मैं डालूंगी थोड़ी फुल कंप्लीट हरी मिर्च, करीब 5-6 लिए मैंने, ये देखिए. और इन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना पिंकिश गोल्डनिश होने तक ही. इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट. मैं एकदम क्विक वाली मटन बिरयानी बना रही हूँ, पहली बार ट्राई कर रही हूँ. जैसे मैंने वाइट चिकन बनाई थी ना, मैं प्रोसेस बिल्कुल वही सेम फॉलो कर रही हूँ. मैं मैरिनेशन स्किप कर रही हूँ, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैरिनेशन करना चाहिए, पर आज मैंने लास्ट मिनट पे डिसाइड किया. हो गया है थोड़ा सा ब्राउनिश, अब जो है हम और भी अच्छी नहीं हो चलिए. मैं सबसे पहले ये जो पूरा मटन है अच्छे से धो के रखा है, 2 किलो है, ये मैं इसमें डाल दूंगी. और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और ढक के करीब 10-15 मिनट तक कुक होने देंगे. इसको पता चल जाता है ना कि इसको बाहर जाना है, उस वक्त ये किसी के लिए एक सेकंड नहीं रुकता. ये देखिए हमारा मटन लगभग 15 मिनट से अच्छे से ये पक रहा है यहाँ पे, और पूरा का पूरा पानी जो है छोड़ दिया है. अब हमें इसमें अपने कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे. सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 से 2.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, ये है 1.5 चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, ये है 2 चम्मच गरम मसाला, और 1 पूरा कप दही. इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, एंड अगेन हम इसे थोड़ी देर के लिए करीब 5 मिनट के लिए फिर से ढक के जो है कुक होने देंगे. अब ये सारे मसाले जो हैं हमें एक साथ ले लेने हैं, और इसे हम पीस लेंगे. तो मैंने क्या क्या लिया है, ये है 2 बड़ी इलायची, ये है 1.5 छोटा चम्मच काली मिर्च, ये है 2 बड़े चम्मच सौंफ, उसके बाद यहाँ मैंने ली है करीब 10 छोटी इलायची, ये है 1 छोटा चम्मच लौंग, ये 3 मीडियम साइज़ के टुकड़े लिए हैं मैंने दालचीनी के, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये है तेज़पत्ता, 1 बड़ा है और 2 छोटे और 1 मीडियम साइज़ का है. ये थोड़ी सी जावित्री ली है, इतनी सी ही. और ये जायफल है, ये हम एक साथ इस सबके साथ नहीं कूटेंगे, अलग से कूटेंगे, बाकी सबको हम फाइन पाउडर कर लेंगे. अब मैं कुछ ना भूलूँ, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, पिछले टाइम जब मैंने मसाला डाला तभी आपको नमक ऐड कर देना चाहिए था, मैं भूल गई, इसे मैं अभी नमक ऐड कर रही हूँ. मैंने 2 चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं.
ये मैं जायफल जो है अलग से कूट ले रही हूँ, थोड़ा दरदरा ही कूट रही हूँ, एकदम महीम ऑब्वियसली पीसेगा नहीं क्योंकि ये हम अलग से ऐड करेंगे, वरना ये जो फ्लेवर है वो सबको ओवरपावर कर लेता है। साइड में हमने दो प्याज जो है वो स्लाइस करके फ्राई करने रख दिए हैं ताकि जब दम देंगे तब ये काम आएगा। चलिए अब जो मटन हमारा कुक हो रहा है इसमें जो भी हमने मसाले पीसे हैं वो हम पूरा का पूरा पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने अलग से जायफल जो कूटा है वो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, मैं पहले इतना सा डालूंगी, मिक्स करूंगी, फिर अगर मुझे लगा तो मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी। ये अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद हम इसे कुक होने देंगे। यहाँ इस पॉइंट तक आपका जो मटन है वो 50% तो कुक हो ही चुका होगा और अब हमें इसे ढक के कुक करना है। Hi, you back? Really? क्या किया नीचे? मस्ती? खूब मस्ती किया? खूब मस्ती किया? अरे बाबा। और ये जो है मटन बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है, अब हम जल्दी से दम दे देंगे। हाँ जी, तो ये हमारा मटन रेडी होके बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई होप जब सब खाएं तो फ्लेवर उतना ही अच्छा है। अब यहाँ पे हमारा मटन का ये पूरा मिक्स रेडी है, हमारे राइस रेडी हैं, तो चलिए इसे हम लेयरिंग करते हैं। ये सबसे मैंने एक सबसे पहले एक राइस का लेयर बिछा दिया है, इसके ऊपर जो है मैं मटन डाल दूंगी। ये पूरा का पूरा मटन हम इसके ऊपर बिछा देंगे, इवनली उसको स्प्रेड करना होगा हमें। चलिए ये हमने मटन अच्छे तरीके से बिछा लिया है, अब इसके ऊपर हम जो बाकी के बचे हुए राइस हैं वो पूरे के पूरे हम डाल देंगे। मैं फिर से आपको एक बार प्रोपोर्शन बता दूं, मैंने 2 किलो मटन के लिए 150 ग्राम जो है चावल, बासमती चावल लिए थे, ये पूरे के पूरे मैं इस पे डाल दूंगी। और अब ऊपर से हम डालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा फूड कलर, मैं रेड कलर डाल रही हूँ सिर्फ और कोई नहीं डाल रही। और इसके ऊपर हम डालेंगे तली हुई प्याज, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जो स्लाइस करके हमने तल ली थी। और हरी मिर्च करीब 10, जितनी भी आप चाहें, 8-10 काफ़ी होंगी, वैसे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमने पहले भी मटन में जो है हरी मिर्च डाली हुई है। और अब हम ऊपर से इसमें डाल देंगे नींबू, मैं 1 फुल नींबू का रस जो है इसमें डाल रही हूँ। एंड लास्ट में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और इसके बाद इसको कवर करके हम दम दे देंगे गुड फॉर 15 to 20 मिनट्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रूम, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो चाचू को उम्मा। ये लो, तो पिछली बार भी इसका पूरा होप था कि हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा एंड ये बहुत एक्साइटेड था कि मैं रूहान के साथ केक कट करूंगा, एंड वो हुआ। एंड तब से इसका मन रहता है कि रूहान के साथ ही केक कट करना है, लेकिन कल रूहान रात में सो गया था, जैसे कि मैंने बोला उसने अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखी, वो ब्रिंग इन के वक्त सो गया था, इसलिए आज एक केक कटिंग तो बनती थी, है ना रूहान। तो अब से रेहान के हर बर्थडे पे इंशाल्लाह रूहान के साथ एक केक जरूर कटेगा, है ना। अम्मी, एक तो मैंने कीमा बनाया है क्योंकि वो रेहान ने बोला था, और आपके लिए मैंने पहली बार मटन बिरयानी ट्राई की है। अभी दम पे डाला है तो 15-20 मिनट में रेडी हो जाएगी, तब तक आप इससे शुरुआत करो। अगर नहीं बनेगी तो कल खा लें। हाँ हाँ ठीक है, और जर्दा भी बनाया। बहुत अच्छा है। चलो
और बहुत जल्दी में बनाई है इसलिए कुछ दम कम हुआ ना, दम थोड़ा और होगा तो अच्छा लगेगा। अच्छी सही है, नमक वगैरह सब सही है, नमक थोड़ा कम चीज, नमक शायद कम होगा मुझे लगता है, मटन बिरयानी और हमारा सबसे फेवरेट जरदा यम। सो ये था कल का व्लॉग, जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है मटन बिरयानी ट्राई की एंड अच्छी बनी थी, बुरी नहीं बनी थी, लेकिन ऑब्वियसली उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जो मैरिनेशन का स्टेप है वो मटन में स्पेशली बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगी, क्योंकि उससे वो जो मटन के पीसेज है वो और ज्यादा टेंडर हो जाएंगे एंड थोड़ा चटपटा मुझे कम लगा, तो मैं अपने जो है नेक्स्ट टाइम जो है मसाला शायद ज्यादा रख दूंगी, या आई फील अगर मैरिनेट करूंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी खुला खुला भी बना था एंड कलर भी करेक्ट था एंड बाकी सब सही था। आप लोग भी बताइएगा ट्राई करके, या आप में से कई लोग आई एम श्योर बहुत अच्छे वर्जन्स ऑफ मटन बिरयानी बनाते होंगे, तो प्लीज शेयर कीजिएगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे मटन बिरयानी अच्छी अब तक नहीं आती, आती ही नहीं है, ये तो मैंने ट्राई किया, तो आप लोग प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं एक अच्छी सी बढ़िया सी मटन बिरयानी सीख पाऊं और फिर उसे बनाऊं और आपके साथ शेयर भी कर पाऊं। सो बताइएगा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज, लव यू ऑल, मटन बिरयानी रेसिपी भूलना नहीं।